आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। आहुजा के GMB-6C ये टेबल माइक स्टैंड है, इसकी MRP लिख दूंगा मैं, कुछ ऐसा दिखता है इसका बॉक्स। इसको खोल लेते हैं पहले फटाफट, पन्नी निकाल लेते हैं। और ये निकल गया पन्नी, अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। दो बैटरी मिलती है सबसे पहले, जो स्टैंड है उसके नीचे लगेगा, टेबल स्टैंड के नीचे। ये हमारा है टेबल स्टैंड, उसी के नीचे बैटरी लगेगी। यहाँ ऊपर माइक लगेगा, उसको भी मैं आपको खोल के दिखा दूँगा। पुश बटन दिया, इधर लीड लगेगी, और यहाँ पे जो नट दिया यहाँ पे बैटरी लगेगी। आगे इसको भी खोल खाल के दिखा दूँगा। और बॉक्स में और भी एक चीज़ है, वो है खुलना रे, अरे निकाल, और टाइट है, वो है ये लीड, 10 मीटर का है, XLR2 जैक लीड, बहुत बढ़िया क्वालिटी का लीड है। कोई मांगेगा तो दीजिए मत, उसको खुद रखिए, भले ही छोटा पड़े तो भी किसी को मत दीजिए लीड। और ये माइक है जिसमें लगेगा, 611 मॉडल नंबर है, इसका प्राइस भी मैं लिख दूंगा। ये डिस्प्ले हो रहा है उसका प्राइस, और यहाँ से बटन सिस्टम है, टॉक ठीक खुल गया। और ये यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसके पहले वाले GMB-6C में जो स्टैंड था उसमें यूज़र मैनुअल ही नहीं दिया। वाह, ये माइक का फोम भी है साथ में, उसको भी देख लेते हैं। ये निकल गया फोम के साथ, फोम के बिना ऐसा। इधर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, अच्छा हाइट है इसका, लंबाई डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं लिख दूंगा। और मुड़ता है ये ऐसे मुड़ गया, इधर से मुड़ जाएगा, दोनों साइड से जैसा मोड़ना चाहे, ऊपर नीचे जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल है दोनों, और बहुत जल्दी ख़राब और अब भी नहीं होता। अब इसमें मैं फटाफट से बैटरी लगा लेता हूँ, ऐसे इसको ढीला करना है पहले, फिर ये नट निकालना है, नट निकालने के बाद ये प्लेट हटा देना है, और इसमें बैटरी लगा देंगे, दो बैटरी लगेगी घड़ी वाली, बस फुर्सत। इस बैटरी का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत दिन चलता है ये, ऐसे लगेगा। फिर हम इसको फटाफट से टाइट भी कर देंगे, और आगे पावर ऑन ऑफ का बटन है, उसको चला के भी दिखाएंगे आपको कि ऑन हो रहा है या नहीं। ये बटन दबाया, ये ऑन हो गया, देखिए लाइट जल रही है। अब मैं इसमें XLR2 जैक केबल कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको चला के दिखा दूँगा कि कैसी आवाज़ आ रही इसमें से। ये कनेक्ट हो गया, और ये एक जाएगा हमारे एम्पलीफायर में, ये भी कनेक्ट हो गया। अब माइक लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। अरे कहाँ गिरे, हाँ कुछ ऐसे डालना है, लग जाएगा, वो समझ में आ गया। अरे बस ऐसे हो गया, प्रेस करने से लॉक हो जाता है, और पीछे जो पुश दिया है उसको दबाएंगे, उसके बाद निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए नट बना हुआ है, नट को आपको पुश वाले उसमें लाना है, प्रेस करना है, वो पीछे आ जाएगा अपनी जगह में, कोई दिक्कत नहीं होगी।
फिर और इसको ऐसे मोड़ सकते हैं। कैमरा थोड़ा दिखा देता हूँ, हाइट बहुत अच्छी है इसकी। बहुत अच्छी हाइट है। अब इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं टेस्टिंग। हेलो, ये आहुजा का 611 माइक GMB-6C के साथ। हेलो, बहुत इंसान करता है ये। हेलो, माइक का रेंज बहुत अच्छा है, देखिए कितने दूर से काम कर रहा है ये। मेरे स्पीकर पास में इसलिए थोड़ा थोड़ा विसल कर रहा है ये, अगर स्पीकर पास में नहीं होता तो और भी अच्छा ये काम करता। क्या करें, स्पीकर अभी पास में देंगे, जल्दी दूसरा स्पीकर इसको दूर में रख सकते हैं। हेलो 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 हेलो